राम राम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के उन कंटेंट क्रिएटर के बारे में जिनका कंटेंट है उनकी फैमिली। भाई इनडायरेक्टली हम फैमिली व्लॉगरों को रोस्ट करने वाले। भाई आज देखने वाले हैं हम उनका सो कॉल्ड पारिवारिक कंटेंट, जो आप परिवार को छोड़कर अकेले देख सकते हो, लेकिन उनका कंटेंट देखने में आपको तब मजा आएगा जब आपको पड़ोसियों की लड़ाई देखने में मजा आता हो। और अगर आपको इन सब चीजों में मजा नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए डोंट रिकमेंड वाली चीज है। भाई जैसे यूट्यूब पे हर एक कंटेंट के लिए अलग अलग चैनल है, अगर आपको देखना है पारिवारिक कंटेंट वो भी बच्चों के मसाले के साथ, तो आप देख सकते हो। तो सौरभ जोशी का चैनल, अगर आपको देखने हैं बेबीज वीडियो में तो आप अरमान मलिक का चैनल चेकआउट कर सकते हो। जब से उसका बालक हुए उसका बालक ही उसका कंटेंट है, उससे पहले उसकी बहुत। अरे भाई ये तो मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूंगा, टाइम वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है इसका चैनल देखना। अगर आप पे 24 की जगह 24 घंटे है तो आधा घंटा आप अरमान मलिक का चैनल। और भाई इसके चैनल से आपको एक चीज और सीखने के लिए मिलेगी, कैसा आप एक ही घर में दो बहू को संभाल सकते हो। और इसकी भाई एक सस्ती कॉपी भी है। उठो यार। तो आपको हमने पारिवारिक कंटेंट दिखा दिया, बच्चों वाला कंटेंट दिखा दिया, और दो बहू एक ही घर में कैसे संभालनी है अभी दिखा दिया। और अब बचा भाई, अब भी कुछ बच गया क्या? अरे वही वही क्या जो आजकल हो रहा। क्या हो रहा भाई आजकल? अरे एक दूसरे को एक्सपोज करना। एक्सपोज करना मतलब रोस्ट करना? रोस्ट नहीं, एक दूसरे के सीक्रेट रिवील करना। ओहो यार रहने दे, क्यों अपनी जनता को टॉक्सिक बनावे? अरे टॉक्सिक कहां है, से देखने में तो मजा आवे। चलो तो फिर आइए देखते हैं बैठ मजा आएगा। तो हाँ भाइयों, अगर आपको अब भी नहीं समझ आया तो हम नहीं समझा सकते भाई। वो चीज है यूट्यूब कपल्स के डिवोर्स। भाई कल मेरे से गलती से डिवोर्स सर्च हो गया। इन लोग लुगाई ऐसे जो कि डिवोर्स ले रहे। अच्छा रे। हाँ एग्जांपल ले लो भाई, पारस ठकराल का। मान लिया भाई का डिवोर्स हो रहा, खुशी का माहौल है। भाई पारस ठकराल का तो मुझे पता क्यों हुआ। क्यों? जब प्रैंक पे प्रैंक करे। प्रैंक कैसे? तीन चार बार तो हमने अपनी बहू पे नुकल लिया। मैं दूसरी बहू ले आया। अब बहू छोड़ के ना जागी और घर बैठेगी। भाई बहू ना बहू, अगर ऐसा तो घर को भी करने लेंगे, घर के भी छोड़ देंगे, दखल कर देंगे। और भाई जब से इसकी बहन की शादी हुई तब से इसकी बहन की सास का जो लमडा है वही इसका कंटेंट है हर वीडियो में। पापा और मेरी ड्रेस फाइनल हो गई फॉर कमल्स वेडिंग। मम्मी की ड्रेस भी फाइनल हो गई फॉर कमल्स वेडिंग। जीजू की वेडिंग रिंग फाइनल हो गई फॉर कमल्स वेडिंग। ये तो कमल्स वेडिंग के लिए ही होगी ना। हाँ तो मैं क्या कुछ और कह रहा। अच्छा यार, तो तू इतना कहना चाह रहा कि इसका कंटेंट इसकी बैंड की सस्सू का बेटा इसकी बैंड है? हाँ। नहीं यार, इससे पहले फिर से लोग बात क्यों देखते थे? इससे पहले इसकी बैंड की शादी से पहले इसकी बहू की वजह से। अच्छा तो अब तो इसका डिवोर्स हो गया, अब इसके डिवोर्स के बाद इसका कंटेंट क्या है? ODTT। गजब टू बी वाज आदमी। ODTT यो क्या है? अरे इसकी गाड़ी। अच्छा हाँ, अब पहली 17-18 वीडियोस है एक ही कीवर्ड है ODTT। अच्छा भाई चल छोड़, ODTT कितने दिन दिखा लगा? 17 दिन 18 दिन। अब इसका कंटेंट क्या है? भाई अब इसका कंटेंट है डिवोर्स। डिवोर्स तो हो गया था पहले ना, एक्सपोज करने वाला डिवोर्स। भाई चैनल भी तो चलाना। अरे सुननी क्या मुझे? क्या पता तू क्या सोच रहा। मैंने निकाल लिया तेरे से बहुत सारा कंटेंट, अब मुझे चाहिए तो। अरे एक बार सोच कर तो देख। क्या सोचू? देख मारे लोग पे व्यू नहीं आ रहे हैं। और पहला जब पहला तो देख नुता हमारी शादी हो रही है, हनीमून का हम लोग बना रहे। फिर क्या नाम कोमल दीदी की शादी हो रही हमारी, ODTT आ रही। और अब जा कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे। और ऐसा करके डिवोर्स ले रहे। डिवोर्स तू भी अपना चैनल ग्रो कर लिए, तेरा नया चैनल बना दिया, उसको ग्रो हो जाएगा। सही कह रहे। रुक रुक रुक, अब क्या हो गया? अबे पहले मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा मैं बता रहा। क्या नाम, पहले तो एक वीडियो बनाई है, अगर डिवोर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं डिवोर्स चाह रहा हूँ ठीक है, फिर उसके ऊपर एक क्या नाम क्या एक्सपोज करके मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा फिर तू बनाएगी फिर बना दूंगा। ओ पैसा ही पैसा होता है। बुरा लग रहा मुझे तो। क्यों लग रहा बुरा? यार 2 साल पहले इसकी सुहागरात को लोग देखे थे और अब जैसे डिवोर्स। यार मैं तो सुहागरात कई लोग देख रहा हूँ यार, देख रहा तो मुझे भी देख ले अंकड़। यार तेरे मेरे गोल मैच नहीं हो रही यार, लगा तू मुझे भी ऐसे ही। तो यार साथ में भी तो 2 करोड़ रुपए लगा रहे। क्यों तू क्या सोच रहा? मैं डिवोर्स लेने की सोच रहा था। मजे ले लिए पूरे भी तो लिए।
यार ग्लैमर फील तो मुझे भी हो रहा है, जैसे मैं इंग्लिश सीट पे उड़ बैठ का मैं कैटरिंग उतरा है और तू इंग्लिश सीट पे नहीं बैठा है, मैं और मत हमारे गोल नहीं मैच हो। अब जैसे देख मुझे गाजर खाना पसंद है और तुझे लेना हमारे गोल मैच नहीं हो रहे तो क्या करे, म्यूचुअल डिसीजन बता कर खत्म कर रही। देख ऐसा अगर हमें एक दूसरे को एक्सपोज करने लगे तो लोग सोचेंगे कि पारस के वो कर रहे कॉपी। सही कह रहा, पर मुझे ना बचा रहा है, लेकिन पारस सर के अगर हम डिवोर्स करके कंट्रोवर्सी करते ना, तू मुझे एक्सपोज करता मैं तुझे एक्सपोज करती तो हमारे ब्लॉग पर कितने कितने मिलियन व्यूज आते यार। अब ऐसा तो होता कोई बात नहीं, पर चलो कोई बात नहीं छोड़ते हैं। आखिरी बार आज का जमाना है मॉडर्न, लेकिन हम मॉडर्न बिल्कुल नहीं है। अरमान नायन का जुत्ता बजे यो बेलन बजावे उसका यो चोटी पकड़ पकड़ दीवार में मारे यो क्या हो म्यूचुअल डिसीजन यो कुछ नहीं होता, ये तो फिर उसे पारस की तरह भाई तुम एक्सपोज करो एक दूसरे को, हमें तो तुम्हारी पर्सनल चीजें चाहिए, हमें कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, इंडियन ऑडियंस हमें चाहिए मसाला भाई, हमें मसाला चाहिए, हमें मसाला दो भाई। आज के लिए इतना ही, YouTube पे इतना गोबर फैला रखा है इन लोगों ने कि सभी के सारे किसानों के खेतों में खाद भी घेर देंगे ना, फिर भी इनका गोबर नहीं खत्म होने वाला। हमें किसी से कोई हेट नहीं है, वाह हमें तो मजा आया किसी को परेशान कर, तो हम इंडियन ऑडियंस है यार। भाई अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और वीडियो पर कमेंट करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। होगी वीडियो तो बता, अरे चलो जल्दी चले उसके स्वागत को लोग देखते हैं। चलो 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 चल